Hey guys, it's me Dan MJ and it's time to Clash with Dan. तो आज का वीडियो जो है वो पूरा का पूरा लूट पे बेस है, तो हम लोग कैसे लूट फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग लूट कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि COC का आज अपडेट आ गया है, बिल्कुल सही। तो आज COC ने नया अपडेट मतलब मेंटेनेंस ब्रेक लाया था, तो एक बात ध्यान में रखिए कि जैसे मेंटेनेंस ब्रेक आ जाता है तो COC जो भी सारे डेड बेसिस होते हैं उनमें अपना लूट भर देता है, और हम जैसे गरीबों के लिए खास करके डेड बेसिस काफ़ी बढ़िया चीज़ होती है लूटने के लिए। और TH11 पर तो डेड बेसिस मतलब एक वरदान जैसा होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ 15 सेकेंड्स बाकी है और हम लोग ट्रेड करेंगे लाइव। तो मैंने सुना है कि जैसे ही COC अपडेट कर मतलब मेंटेनेंस ब्रेक आ जाते हैं बहुत दिनों के बाद, तो COC डेड बेसिस भर देता है। तो चलिए ढूंढते। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारा फाइंड अ मैच मतलब विजिबल हो चुका है, तो चलिए चलते हैं और ढूंढते एक रेड। तो सर्चिंग फॉर अपोनेंट, पहला पेस, 1 लाख गोल्ड, 1 लाख एलिक्सर, नॉट अ डेड बेस क्योंकि हम लोग क्रिस्टल में, 1 लाख गोल्ड, 2 लाख एलिक्सर। सर्च करते थोड़ी देर, ओ देयर यू गो, डेड बेसिस मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2 लाख गोल्ड, 2 लाख एलिक्सर, तो हमें और ज़्यादा लूट चाहिए। हम लोग पहले देखेंगे कि एक्चुअली मतलब COC जो है वो बेसिस भरता है या नहीं। तो चलिए चलते और थोड़े से सर्चेस कर लेते। तो मैं यहाँ पे वीडियो कट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में डेड बेसिस मतलब फील किए जाते हैं हर एक अपडेट के बाद। तो होपफुली हमें जल्दी से एक बेस मिल जाएगा। लेट्स सी, 5 लाख गोल्ड, 5 लाख एलिक्सर, लेकिन TH11 है तो स्किप। चलिए ढूंढते होपफुली हमें बेस मिल सक जाएंगे अभी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, 1 लाख गोल्ड, 4 लाख एलिक्सर, और थोड़ी सी सर्चेस, 2 लाख गोल्ड, डेड बेस ये भी है, 2 लाख गोल्ड, 2 लाख एलिक्सर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी लूट है यहाँ पे ऊपर, मतलब डेड बेसिस फिल किए जा चुके। और ये रहा एक पेस, देखिए पूरा का पूरा मैक्स TH10 है, ओ ग्रेट, और अभी पूरा का पूरा डेड हो चुका है बेस। तो इसके ऊपर लूट ऑफर है 4 लाख गोल्ड, 4 लाख एलिक्सर और 4000 डार्क एलिक्सर। तो होपफुली देखते हैं हम कितना ग्रैप कर पाते हैं इस बेस पर। तो ये काफ़ी चीप स्ट्रेटजी है, तो फिर 100% तो होना बहुत मुश्किल है, और हमारे पास हमारा किंग भी नहीं है। फिर भी हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना स्टार स्कोर कर पाएंगे। तो मैं एक जगह ढूंढ लेता हूँ, तो वहाँ पे मैं अच्छा क्वीन के साइड से अटैक करूँगा। वहाँ पे मैं गए मेरे 4 अर्थक्वेक, और उसके बाद मैं थोड़े से बारबेरियन छोड़ के वहाँ पे टैंक करूँगा मेरे जायंट्स को, क्योंकि मेरे पास ना हीलिंग स्पेल है ना हीलर से, सिर्फ और सिर्फ 3 रेज है, क्योंकि रेज तभी सस्ता हो गए थे इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा बना लिए थे। तो फिर जैसे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे अंदर बढ़ते एक रेज पर नीचे जाते, वहाँ पे विजेट टावर नीचे जाता हो, मोटर्स धीरे जॉइंट्स अंदर बढ़ते हुए, और अब हमारे चोर जो कि अंदर घुस रहे हैं जो कि गॉबलिंस, वो सेट में जाएंगे थोड़े थोड़े करके। तो मैं थोड़े से बैकअप के लिए रखूँगा, 26 गॉबलिंस मैंने बैकअप के रखे, एक और इस पर नीचे जाती हुई। तो अभी तक हो चुका 33% और हम लोगों ने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत लूट ग्रैब कर लिया है। तो सेंटर में थोड़े से गॉबलिंस, अभी अंदर जा रहे बारबेरियंस टैंक करेंगे हमारे गॉबलिंस और आर्चर्स को। आप एक रेज स्पेल सेंटर में नीचे जाती हुई, 43% हो चुका है। थोड़े से आर्चर्स वेस्ट साइड में, थोड़े से आर्चर्स नॉर्थ साइड में, और यहाँ पे गॉबलिंस और बॉम्बर्स थोड़े से अंदर घुसते हुए, और वहाँ पे थोड़े सी एलिक्सर ग्रैब करने की कोशिश करते हुए वहाँ पे वहाँ से थोड़े से आर्चर्स और गॉबलिंस। तो देखते हैं वहाँ पे आर्चर क्वीन नीचे जाती है, और हम हमारे आर्चर क्वीन की परफेक्ट टाइम पे पावर यूज़ कर देंगे। तो हम लोग 65% पर है, और देखते हैं कि हम लोग कितना ग्रैप कर पाते और कितना नहीं। तो होपफुली हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रैप कर पाएंगे, 68%। ग्रैंड वार्डन अभी हमारा जिंदा है, और हमारे पास एक आर्चर और एक बॉम्बर जिंदा है, यानी कि ISIS हमारा सुसाइड बॉम्बर जिंदा है। तो देखते हैं कि हम लोग कितना स्कोर कर पाते, 68% के हम लोग 70% कर पाएंगे। हमने लोगों ने कर दिया है 70% स्कोर, ग्रेट। वहाँ पे थोड़ा सा ग्रैंड वार्डन हमारे लिए गोल्ड चुराता हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर, और अभी हमारे पास एक आर्चर और एक बॉम्बर बाकी है। तो अभी वहाँ पे ग्रैंड वार्डन नीचे जाएगा
बस 2 सेकंड में वो नीचे जाता हुआ, यहाँ से एक आर्चर छूटता हुआ और वहाँ पे आर्चर टावर में उसका आराम नाम सत्य करता हुआ, और यहाँ पे बॉम्बर भी सुसाइड होता है, और हमें मिला 3 लेग गोल्ड 3 लेग एलिक्सर और 2700 डार्क एलिक्सर। स्वीट, काफ़ी बढ़िया, डेड बेस ग्रेट। तो हम लोग हमारे आर्मी ट्रेनिंग के लिए डाल देते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग कौन सी आर्मी ट्रेन करेंगे। ये काफ़ी महंगी है, नीचे वाली भी काफ़ी महंगी है। तो जो ट्रॉफी पुश है यानी कि सेकेंड आर्मी, वो काफ़ी सस्ता लग रही है मेरे ख्याल से, सिर्फ 1,70,000 एलिक्सर और 640 डार्क। तो चलिए ट्रेन कर लेते हैं हमारे लिए वो आर्मी। तो लेट्स गो। नहीं, फर्स्ट वाली नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाली काफ़ी महंगी है, उसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियस आर्मी नहीं ट्रेन कर सकते क्योंकि हमने उसमें 3 रेज पहले यूज़ किया। तो फिर हम लोग ट्रेन करेंगे हमारी सेकेंड आर्मी। तो जैसे ट्रेन हो जाते हैं मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने हमारे किंग क्वीन, किंग एक्चुअली आप परे किंग क्वीन और ग्रैंड ऑर्डर हम लोगों ने बूस्ट कर दिया और सारे के सारे बैरिक्स। तो हमारे यहाँ पे ट्रूप्स भी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए एक और बेस ढूंढ लेते हैं और देखते हैं कि और भी डेड बेसिस है या नहीं। सो लेट्स गो। तो पहला बेस 5 लेग गोल्ड 3 लेग एलिक्सर ग्रेट, लेकिन डेड बेस नहीं। तो फिर हम लोग सिर्फ डेड बेसिस ढूंढ रहे हैं, 2 लेग गोल्ड 3 लेग एलिक्सर। तो होपफुली हमें जल्दी से एक बेस मिल जाए। ओह देयर यू गो, 2 लेग गोल्ड 2 लेग एलिक्सर, एक्चुअली 3 लेग गोल्ड 3 लेग एलिक्सर 2300 डार्क एलिक्सर। तो देखते हैं कि इस पर हम लोग कितना स्टार स्कोर कर पाते। तो एक्चुअली हमें 2 स्टार्स की ज़रूरत है, वो क्या कहते हैं स्टार बोनस के लिए। तो फिर वहाँ पे मैं थोड़े से बारबेरियंस छोड़ दूंगा पीछे से आर्चर्स टैंक के लिए और छोटे से गॉब्लिंस भी। तो हम लोगों ने जिस साइड से हमें अटैक एक्चुअली स्टार्ट नहीं करना है वहाँ पे हम लोग स्नाइपिंग कर लेंगे। वहाँ पे एक मोटर है, तो मैं बेसिकली साउथ वेस्ट साइड से अटैक करना प्रीफर करूँगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लूट है। वहाँ पे एक जाइंट से मैं टैंक करूँगा मेरे आर्चर्स और गॉब्लिंस को, होपफुली बारबेरियंस आगे बढ़ते हुए थोड़े से गॉब्लिंस। तो होपफुली हम लोग वो पूरा का पूरी एरिया ग्रैब कर लेंगे। तो यहाँ पे एक जाइंट अभी भी जिंदा, लेवल 8 जाइंट काफ़ी कमाल के, तो 10% हो चुका है। तो देखते हैं कि अभी हम लोग आगे क्या करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वी आर रेडी टू अटैक। तो हम लोग वहाँ पे हमारे अर्थक्वेक स्पेल हम लोग प्लेस करेंगे एग्जैक्टली उस कैनन और विजर्ड टावर के बीच में होपफुली। और वहाँ पे गए मेरे अर्थक्वेक स्पेल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं वो वी मिस द मिडल कंपार्टमेंट, लेकिन कोई बात नहीं। तो वहाँ पे मेरे 7 जाइंट्स रेडी है, तो वो गए मेरे 7 जाइंट्स। पीछे से ग्रैंड वार्डन की क्वीन बारबेरियंस क्लियरिंग करेंगे, टैंक करेंगे, और हमारे आर्चर्स पीछे से थोड़े से बॉम्बर्स हम लोग पहले छोड़ देंगे क्योंकि वो मैं चाहता हूँ कि मेरे जाइंट्स के लिए रास्ता खुल जाए। पीछे से आर्चर्स क्लियरिंग करते हुए होपफुली हमारे जो ट्रूप्स है वो सेंटर में घुस जाएंगे। देखते हैं हम लोग पुशअप ग्रैब कर पाएंगे या नहीं। वैसे भी TH-10 है लेकिन डेड है, तो फिर ईजी होगा मेरे ख्याल से। तो हम लोग साइड बिल्डिंग्स क्लियर कर देंगे और हमारे गॉब्लिंस को सेंटर में जाने के लिए रास्ता खोल देंगे। और फिर रेज पे लोग एक हीलिंग स्पेल लेके जाती हुई, तो बाकी के बचे हुए गॉब्लिंस अभी अंदर जाएंगे। ग्रैंड वार्डन की पावर अभी हम लोगों ने अभी तक यूज़ नहीं किए, तो हम लोग हमारे ग्रैंड वार्डन की पावर पता, तो हम लोगों ने हमारी क्वीन की पावर यूज़ कर दी। बाय मिस्टेक में वहाँ पे ग्रैंड वार्डन की पावर यूज़ करना चाहता था, वहाँ पे टनल नीचे जाता हुआ ग्रेट गॉब्लिंस ने टनल क्रैप कर लिया। तो फिर हम लोगों ने सिर्फ छोड़ा है 150 एलिक्सर 150 गोल्ड और 1 डार्क एलिक्सर। कोई बात नहीं सॉरी। तो हम लोगों ने छोड़ा है 0 गोल्ड 0 एलिक्सर और 0 डार्क एलिक्सर। एंड द बैटल, वापस से एक इन्फर्नो टावर नीचे जाने का इंतजार करेंगे और चला जाता हुआ और 3 लेग गोल्ड 3 लेग एलिक्सर और 2300 डार्क एलिक्सर हमारे पॉकेट में ग्रेट। तो हमें स्टार बोनस भी मिल चुका है 2 लेग गोल्ड 2 लेग एलिक्सर। तो टोटल हो चुका है 5 लेग गोल्ड, उस रेट में मिला है 5 लेग गोल्ड 5 लेग एलिक्सर और अराउंड 3000 समथिंग डार्क एलिक्सर ग्रेट। तो अभी हम लोग एक और बार ट्रेन करेंगे, तो चलिए चलते। तो हमें एक और बेस मिल चुका है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि वो वहाँ पे मेरे अर्थक्वेक्स पर नीचे जाते हुए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी डेड बेसिस यूसी ने फिल किए ग्रेट। तो 3% हो चुका है, वहाँ पे चांस अंदर जाते हुए
जैसे बॉम्बर्स, किंग किंग क्वीन क्या यार मैं बोल रहा हूँ, क्वीन और ग्रैंड हॉर्डन, सॉरी फॉर दैट। तो धीरे धीरे हमारे बारबेरियंस अंदर घुसते हुए, टू फिंगर से मैं मेरे टूट फिट लग रहा हूँ, अबेरियंस पर नीचे जाते हुए थोड़े से आर्चर स्प्रेड करके क्लियरिंग के लिए मैंने वहाँ पर मेरे ग्रैंड हॉर्डन के ऊपर यूज़ कर दिए। और अभी हमारे अंदर जाएंगे चोर, हमारे कॉपलिंस जो कि काफ़ी स्पेशली ट्रेंड है, तो मैं थोड़े से गॉबलिंस रखता हूँ क्योंकि कभी कभी गॉबलिंस जो है वो जैंट बॉम्ब के पकड़ में आ जाते हैं और वो मर जाते हैं, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो सारे ट्रूप्स धीरे धीरे सेंटर में घुसते हुए, हमारी क्वीन पकचोद थोड़ी सी भटकती हुई, लेकिन कोई बात नहीं, 39% हो चुका है, वहाँ पे टांगल नीचे जाता हुआ, ग्रेट स्वीट। तो देखते हैं हम लोग, होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग 3 स्टार ग्रैप कर देंगे इस बेस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो है नहीं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी गॉबलिंस भी बचे हुए हैं, 28 गॉबलिंस है, 5 आर्चर से और एक बॉम्बर है, तो देखते हैं हम लोग काफ़ी उसे यूज़ करेंगे। तो फिर साइड से तो सारी लूट नीचे जाती हुई, और यहाँ पे सिर्फ ऊपर के साइड में 2 विजर टावर्स है, उसका मुझे थोड़ा टेंशन है, लेकिन वो अभी लॉक हो चुके हैं बारबेरियंस के ऊपर जो कि काफ़ी अच्छे टैंक कर रहे। तो फिर हम लोग इस मौके का फ़ायदा उठा के हमारे गॉबलिंस को अंदर भेजेंगे, तो होपफुली हम लोग क्रैप कर पाएंगे। 19 गॉबलिंस लेफ्ट, तो हम लोग धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके गॉबलिंस अंदर छोड़ेंगे, तो एक लास्ट एलिक्सर कलेक्टर बचता हो, तो देखते हैं हम लोग वो भी क्रैप कर पाएंगे यानी स्वीट। तो हम लोगों ने सब की सब लूट क्रैप कर लिए, ग्रेट। तो देखते हैं हमें कितना मिला है, तो और उससे भी मेन चीज़ हम लोग यहाँ पे 3 स्टार कर पाएंगे नहीं, तो अभी हम सारे के सारे डिफेंस मेरे क्वीन के ऊपर शायद टारगेट करेंगे, जो कि काफ़ी बुरी बात है मेरी क्वीन के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। 13 सेकेंड्स लेफ्ट, 95%, 8 सेकेंड्स लेफ्ट, 98%, 99%, और अब मेरी क्वीन, कोई बात नहीं, हमारे ग्रैंड वार्ड ने काफ़ी कमाल कर दिया, और हमें मिला है 3 स्टार, हमें मिला है 4 लाइक गोल्ड, 4 लाइक एलिक्सर और 1020 डार्क एलिक्सर स्वीट, जो कि सारे के सारे डेड बेस पर था, तो और भी बढ़िया बात है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने थोड़े ही दिनों पहले हमारा ग्रैंड वार्डन जो है वो लेवल 10 कर दिया था, तो अभी हमारे पास 80 लाख एलिक्सर स्वीट यानी कि ग्रेट। तो देखते हैं मेरा बकचोद ग्रैंड वार्डन किधर है, ग्रैंड वार्डन किधर है, और उससे पहले हम देखते हैं कि हम लोग हमारे ग्रैंड वार्डन अप कर पाएंगे नहीं। तो फिर हमारे ग्रैंड वार्डन, हाँ वो रहा हमारे ग्रैंड वार्डन, तो चलिए चलते हुए देखते हैं। तो फिर हमें लगेंगे 70 लाख एलिक्सर, तो हमारे पास है 80 लाख एलिक्सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सबसे पहले हम लोग हमें उसे बीच में लाएंगे, इज द हीरो राइट नाउ। तो क्वीन पिंचट पिचट 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 बड़े में भी आतू मेरे। तो हम लोग हमारे ग्रैंड ऑर्डर नोट करेंगे लेवल 11 पर, सो लेट्स डू इट। तो देखते हम अभी बूस्ट पर है, तो फिर पहले हमें वो बूस्ट एंड करने को बोलेंगे, तो कोई बात नहीं। तो 70 लाख एलिक्सर, 1 2 3 बूम, तो कोई बात नहीं, हम एंड बूस्ट करेंगे, यस ऑफ कोर्स एंड बूस्ट, 70 लाख एलिक्सर, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने हमारे ग्रैंड वार्डन लेवल 11 पर डाल दिया है, ग्रेट काफ़ी बढ़िया। तो फिर चल अपनी जगह पे लग जा, तो हम लोग हमारे ग्रैंड वार्डन को अपनी जगह पे रख देंगे। तो मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहला और मेन टॉपिक ये है कि हम लोगों ने 400 सब्सक्राइबर्स रीच कर दिए, ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर 400 सब्सक्राइबर्स। और उसके बाद सेकेंड बिगेस्ट न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने गिव अवे रखा है इस चैनल पर, तो हम लोग गिव अवे में दे रहे 300 रुपीज़ पेटीएम कैश, जिससे आप जेम्स बाय कर सकते हैं अपने COC के लिए, इज़न्ट दैट स्वीट। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कीजिए, उसकी लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी जल्दी जाइए और गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। तो आपके गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नीचे जो लिंक दी गई है उसके ऊपर जाइए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, और उसमें आपको ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, और आपको वहाँ पे साइन इन करना है अपने जीमेल या फिर जो आप यूट्यूब पे यूज़ कर रहे हैं उससे। तो भाई मैं बोल देता हूँ कि मुझे आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएंगी, क्योंकि उस वेबसाइट की पॉलिसी कुछ ज़्यादा ही सिक्योर्ड है आप सबके लिए, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो बड़े बड़े चैनल्स भी जैसे कि जनरल टोनी वगैरह भी वही साइट यूज़ करते हैं गिव अवे के लिए, तो मैं भी वही साइट यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई परेशानी नहीं होगी, आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ज़रा भी शेयर नहीं की जाएंगी। और मुझे सिर्फ उसी बंदे का या फिर उन्हीं तीन विनर की आईडी मिलेंगी जिन्हें जो मतलब विनर सिलेक्ट किए जाएंगे।
तो यान और वो भी इसलिए क्योंकि मैं उन्हें कांटेक्ट कर सकूं और उन्हें मेल सेंड कर सकूं, इसलिए मुझे उनकी ईमेल आईडी मिलेंगी, पासवर्ड वगैरह कुछ भी शेयर नहीं किया जाता है। तो फ्री टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे, तो जल्दी जल्दी जाइए और गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए और विनर बन जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। एक बात और, आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर, दूसरा वीडियो यहाँ पर मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब बटन और यहाँ पर मेरे ब्लॉगिंग चैनल का सब्सक्राइब बटन। बाय बाय, पीस आउट। I'm coming home.